मंथली एग्जाम में आपका 30 ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, है ना, उसमें से आपको 25 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ओके चलिए, तो बिल्कुल देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। चार्ल्स मेसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं चार्ल्स मेसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था, तो याद होगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, हड़प्पा का जो है किया था, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए होगा, ठीक है। और किस, ये हड़प्पा का खोज जो है ना बच्चों किसने किया था, 1921 में जो है ना किया था, और किसके द्वारा किया गया था बच्चों, तो ये जो है दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा जो आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ गया। क्या कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने जो है प्रकाश डाला था, ठीक है बच्चों, तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा, है ना, तो ये कनिंगम हो जाएगा, अर्नेस्ट मैके हो जाएंगे, जॉन मार्शल, या इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था बच्चों, तो अर्नेस्ट मैके के द्वारा, जिसमें जो प्रकाश डाला गया था, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे देख पा रहे हैं रायबहादुर दयाराम साहनी ने कहां का उत्खनन करवाया था, बताइए रायबहादुर दयाराम साहनी के बारे में बच्चों आपको बताना है, बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं रायबहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो है कहां का, यानी हड़प्पा का उत्खनन करवाया गया था, और कब करवाया गया था, ये 1921 में बच्चों किया गया था, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का जो बच्चे बी बताए, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा, है ना, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहां से मिला है, यानी गोदीवाड़ा जो बच्चों कहां से मिला है, इनके बारे में आपको बताना है। देखिए सिंधु सभ्यता में जो है ना गोदीवाड़ा की अगर बात किया जाए, ये कालीबंगान से मिला था, या रोपर से, या आगे देखिएगा, देखिए ये जो मिला था बच्चों सिंधु सभ्यता में जो गोदीवाड़ा जो मिला था बच्चों, ये आपको बता दें लोथल से मिला था। कहां से मिला था, लोथल से, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, है ना, ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लोथल जो बच्चों कहां पे स्थित है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको जो प्रोवाइड कर रहे थे, जो पढ़ा रहा था, वही जो क्वेश्चन आपको यानी देखने को मिला बच्चों, तो लोथल जो बच्चों कहां पे स्थित है, ये तो आप लोगों को पता होगा गुजरात में स्थित है। कहां पे स्थित है, गुजरात में स्थित है, और इसका आंसर आप लोग गुजरात जो बच्चे बताए, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे हम यहाँ आपको, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे गुजरात। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था बच्चों, तो देखिए हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे जो स्थित थे मोहनजोदड़ो था, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, मोहनजोदड़ो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और रावी नदी के किनारे कौन था, हड़प्पा था, ये आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन था, तो ये तो मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में बता दिया। आगे देखिए बच्चों क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 77 सॉरी, भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है ना, कनिंगम को कहा जाता है, दयाराम साहनी को, लॉर्ड कर्जन, या आपका जॉन मार्शल। देखिए हम लोग जानते हैं भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसका कहा जाता है बच्चों, ए अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है, और इसका आंसर बच्चों आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था, बताइएगा हड़प्पा सभ्यता के काल में जो थे रावी नदी के किनारे कौन स्थित थे बच्चों, ये देखिएगा आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो एंड आपका क्या लोथल या कालीबंगान, तो हम लोग जानते हैं रावी नदी के किनारे, अभी जस्ट मैंने बताया ना कि रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा स्थित था, और इसका आंसर हड़प्पा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अस्नानागर के अवशेष कहां से मिले थे बच्चों, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल अस्नानागर के अवशेष जो मिला था बच्चों, ये जो है मोहनजोदड़ो से मिला था, क्योंकि मोहनजोदड़ो से अस्नानागर भी मिले थे और अन्नागार भी मिले थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना यानी कब हुई थी बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हम लोग जानते हैं कब हुआ था बच्चों, तो एकदम बिल्कुल 1784 को हुआ, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, देखिए फूट डालो और शासन करो का नीति जो है अजात शत्रु ने अपनाया था, और इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, अजात शत्रु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आपके स्क्रीन पर बच्चों, क्या कहा जाता है, सर्वप्रथम हूनों को परास्त करने का जो है श्रेय किस शासक को जाता है ना, सबसे पहले जो है ना हूनों को परास्त करने का सरे यानी किसको जाता है बच्चों, तो ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका अस्कंद गुप्त हो जाएंगे बच्चों, तो इसका आंसर जो बच्चे अस्कंद गुप्त दिए हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, किस शिलालेख से जो अशोक के द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, तो बताइए किस शिलालेख से जो है कलिंग विजय का पता चलता है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 13वां शिलालेख के द्वारा, किसके द्वारा, 13वां जो है शिलालेख था उसका 13वां शिलालेख के द्वारा जो है पता चलता है, तो ठीक है ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है, 13वें शिलालेख यानी ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या था, देखिए कौटिल्य के द्वारा जो उसका ग्रंथ था वो जो लिखा गया है वो उसका नाम क्या, मेघदूत था, बिल्कुल नहीं होगा अर्थशास्त्र, हम लोग जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बच्चों, कौटिल्य है, ये चीजें आपको ना बिल्कुल पता होना चाहिए, कौटिल्य हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये जो इंडिका का लेखक कौन हो जाएगा बच्चों, मेगस्थनीज हो जाएंगे, ये चीजें आपको जो है ना बिल्कुल मेगस्थनीज जो है राइट याद रखना है आपको, ठीक है। कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया, निम्नलिखित में से मैगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी, देखिए मैगस्थनीज के द्वारा पुस्तक का नाम मैंने बताया आपको क्या, इंडिका बताया, इसको आप लोग जो है ना नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए आगे देखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है बच्चों, देखिए अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक की अगर बात किया जाए बच्चों, ये आपका कालिदास हो जाएंगे, कौन हो जाएगा,
कालिदास, इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कालिदास के द्वारा जो है ना क्या अभिज्ञान शकुंतलम की रेखा कौन है, कालिदास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे बच्चों, है ना, क्या कहा जाता है, प्रयाग प्रशासित, प्रयाग प्रशासित का अस्तम संबंध जो है किस गुप्त शासक से है। तो ये देखिए इसका संबंध आपको बताना, चंद्रगुप्त से था, बिल्कुल नहीं, समुद्रगुप्त बच्चों, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्रयाग प्रशासित जो है का संबंध जो है यानी किससे है, समुद्रगुप्त से है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है। बच्चों देखिए सबसे पहले आपको ना अर्थशास्त्र के बारे में भी याद रखना, इसका लेखक कौन है आपका, यानी कौटिल्य हो जाएंगे, है ना, कौटिल्य हो जाएंगे। एंड सेकंड आपको क्या, इंडिका, इंडिका के लेखक कौन हो जाएगा, मेगस्थनीज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये इस तरह जो आपको इस प्रकार जो है आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका मौर्य वंश से हो जाएगा, और इसका आंसर आपका मौर्य वंश बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। उपनिषदों की संख्या जो है बच्चों कितनी है, हम लोग जानते हैं उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा 108। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, फाहान किसके शासन काल में भारत आया था बच्चों, फाहान के बारे में बताना है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए फाहान जो आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। फाहान किसके शासन काल में भारत आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आए थे। आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, मेगस्थनीज के बारे में मैंने बता दिया, मेगस्थनीज कौन थे बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये राजदूत थे, कौन थे, राजदूत, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते थे बच्चों किसके बने होते थे, सोना के, चांदी के, तांबे के। तो हम लोग जानते चांदी और तांबे के बने होते थे बच्चों, इसलिए इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखिएगा, भीष्म को और क्या कहा जाता था, है ना, भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से भी बच्चों जाना जाता था, किस नाम से, गंगा पुत्र के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, अभिज्ञान किसका जो है, मतलब अभिमन्यु किसका पुत्र था बच्चों, तो अभिमन्यु हम लोग जानते हैं ये भीम के थे, अर्जुन के थे, तो बिल्कुल ये चीज आपको याद रखना है, अभिमन्यु जो बच्चों पुत्र थे अर्जुन के पुत्र थे, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए तो ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते बच्चों, द्रौपदी स्वयं में किसने जीता था बच्चों, द्रौपदी को, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, द्रौपदी को स्वयं में जो है ना अर्जुन जीते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते, क्वेश्चन नंबर 26, कौरवों की संख्या कितनी थी बच्चों, जल्दी बताएंगे, कौरवों की संख्या की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं कौरवों की संख्या कितनी थी, 100। ठीक है, तो बिल्कुल ये नोट कर लीजिएगा 100। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे क्या कहा जाता है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं महाभारत का लेखक कौन है बच्चों, ये बिल्कुल याद रखना है, वेदव्यास महाभारत के लेखक है, और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये कौरव और पांडव के बीच हुई थी, जिसमें पांडव की जीत हुई थी, और महाभारत जो किस भाषा में लिखा हुआ बच्चों, ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आपके समक्ष में 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाता है, ऋग्वेदिक लोग किसका पूजा करते थे बच्चों, तो ऋग्वेदिक लोग हम लोग जानते थे ये प्रकृति की पूजा करते थे, लोग किसके पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, नाथ मुनि का संबंध जो बच्चों यानी किससे था, जैन धर्म से था, बिल्कुल नहीं, है ना, बौद्ध धर्म से, बिल्कुल नहीं। हम लोग जानते हैं नाथ मुनि का संबंध जो है बच्चों ये बिल्कुल वैष्णव धर्म से होगा, किस धर्म से होगा बच्चों, वैष्णव धर्म से होगा, और इसका आंसर वैष्णव धर्म में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सुदपिटक देखिएगा, देखिए हम लोग पढ़े थे क्या, बौद्ध धर्म में पढ़े थे ना, बौद्ध धर्म में ही आता है क्या, त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक जो आता है बौद्ध धर्म में आता है, ये त्रिपिटक जो आता है बौद्ध धर्म में उसी में ही हम लोग पढ़े थे, और उसी का जो जैसे कि तीन पिटक कौन कौन सा, सुदपिटक, अभिधम्म पिटक है ना, विनय पिटक, ये तीन पिटक है, उन तीनों पिटक जो आपको पता है किस धर्म से, बौद्ध धर्म से ही बच्चों, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह का अगर आपको अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको माइंड में बिल्कुल याद रखना है कि यानी अगर देखिए कोई भी पिटक आ जाए, चाहे शुद्ध पिटक आ जाए, है ना, चाहे आपका जो विनय पिटक आ जाए, चाहे आपका अभिधम्म पिटक आ जाएंगे, ये जो कोई भी अगर आपका पिटक आता है इन तीनों में से, तो इसमें से अगर कोई पूछेगा ये किस धर्म से, तो बच्चों आपको बताना क्या, बौद्ध धर्म से बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म में। ठीक है, चलिए तो देखिए डियर ये था आप लोगों का 30 क्वेश्चन, जैसे कि ये आप लोगों का क्वेश्चन पेपर था, है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए एकदम, और 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपका बोर्ड एग्जाम 2025 का फाइनल तैयारी करवाया जाएगा, कोई भी आपको किसी प्रकार का भी दिक्कत नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलेगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक ले जाएंगे।